हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टोटल तमाशा में, जहां पे आपको मिलेगी टीवी सीरियल के रिलेटेड सारी एपिसोड की शुरुआत त्रिशा से होती है और सरनिश को पता चलता है कि कोई सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। वसुधा ने नोटिस किया कि उसके 1000 रुपए गायब हैं और इसलिए गिरीश और गोपाल को पुलिस को यह कहते हुए बुलाने के लिए कहता है कि वह आदमी एक चोर था। गिरीश यह कहकर वापस आता है कि वह सब्जियां खरीदने गया था और बिल और बाकी रकम गोपाल को दे दी। गोपाल उसे कॉफी बनाने के लिए कहता है। वह वसुधा से कहता है कि गिरीश एक ईमानदार आदमी है जैसा उसने कहा था। वह कहती है कि वह बिना बताए चली गई। युवराज को अपने घर में देखकर गोपाल क्रोधित हो जाता है और उसे ताना मारता है। युवराज का कहना है कि गोपाल को कुछ भी पता नहीं है और कभी दूसरों की भी नहीं सुनता, वसुधा की भी नहीं। रुद्राक्ष द्वारा रखी गई पोशाक को पहनकर प्रीता और सारनिश बाहर आ गए। वह दक्षिण भारतीय पोशाक में सभी को देखकर चौंक जाती है और सजावट के बारे में पूछती है। रुद्राक्ष का कहना है कि यह केवल उनका आश्चर्य है। युवराज का कहना है कि वह सिर्फ इसलिए राहुल कंपनी में शामिल हो गया क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी, लेकिन वह नहीं जानता कि वह रुद्राक्ष का प्रतियोगी था। उनका कहना है कि उन्होंने सच्चाई जाना के बाद भी नौकरी से इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वह 1 साल से पहले इस्तीफा नहीं दे सकते। वसुधा पूछती है कि युवराज किस मामले में बात कर रहे हैं। गोपाल कहते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वह प्रीशा से दूर रहने के लिए कहते हैं, अन्यथा उन्हें इसका पछतावा होगा। युवराज का कहना है कि उन्होंने प्रीशा को उनकी वजह से कोई परेशानी नहीं होने दी और वह अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए आए। उनका कहना है कि अगर गोपाल ऐसे ही गुस्से में रहे तो उनकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा। वह गिरीश को नोटिस करता है और वहाँ से चला जाता है। वसुधा गोपाल को तैयार होने के लिए कहती है कि उन्हें प्रीशा के घर जाना है। दक्षिण भारतीय पोशाक में रुद्राक्ष को देखकर प्रीशा और सारांश हैरान हो जाते हैं। रुद्राक्ष का कहना है कि वे उसका त्योहार ओणम मनाने जा रहे हैं। वसुधा और गोपाल को वहां देखकर सरसंग उत्साहित हो जाता है। वसुधा रुद्राक्ष के रूप की प्रशंसा करती है। मिश्का अहाना से पूछती है कि वे नाटक में क्यों भाग ले रहे हैं। अहाना का कहना है कि अगर मिश्का इस घर में रहना चाहती है तो उसे इन सब की आदत डालनी चाहिए। रुद्राक्ष यह जानकर चौंक गया कि तमिल लोग ओणम नहीं मनाते हैं लेकिन मलयाली प्रीशा से करते हैं। मिश्का और रहाना उसकी बात सुनकर हंस पड़े। गोपाल कहते हैं कि त्योहार का नाम कोई मायने नहीं रखता कि वे एक साथ क्या मना रहे। रुद्राक्ष अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। प्रीशा और सारांश रुद्राक्ष को उसके आश्चर्य के लिए धन्यवाद देते हैं और वे ओणम मनाते हैं। रुद्राक्ष अपनी धोती को संभालने के लिए संघर्ष करता है और प्रीशा उसे इसके लिए चिढ़ाती है। वह उसे ठीक से धोती पहनने में मदद करता है। वह उसके चेहरे को अपने करीब देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। सरसंग वहां आता है। यह कहते हुए वसुधा ने उसे बुलाया। जब सरनाश ने पूछा कि उसने कोई फूल क्यों नहीं पहना है तो रुद्राक्ष ने कहा कि जब उसे फूलों से एलर्जी होगी तो वह क्यों करेगा। प्रीशा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वह सोचता है कि वह उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को क्यों याद रखता है। वह सोचती है कि वह इन सभी को कैसे याद करती है और आश्चर्य करती है कि वह खुश क्यों महसूस करती है कि वह इन सब के बारे में जानती है। वे पूजा शुरू करते हैं और प्रीता ने रुद्राक्ष और सारनिश के लिए प्रार्थना की। रुद्राक्ष भगवान से प्रीशा की इच्छा को पूरा करने की प्रार्थना करता है। वे एक दूसरे को घूरते हैं। वेल आने वाले एपिसोड में प्रीक्षा के पास्ट के बारे में रुद्राक्ष को पता चल जाएगा। वेल शो से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।